जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि विकास उनका मुद्दा है, उन्होंने विकास किया है, केजरीवाल कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ऐसा कोई नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आपका क्या नारा है? हमारा नारा तो बड़ा स्पष्ट है। हमने 20 साल से राजनीति करते हुए, हम लोग ऐसे झूठी बयानबाजी करने में विश्वास नहीं रखते। हम दिल्ली के लोगों को एकदम पारदर्शी, ईमानदार प्रशासन देंगे, ऐसी सरकार देंगे जिस सरकार के ऊपर लोगों को गर्व होगा, जी उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम होगा, उसमें नौजवानों को रोज़गार देने के लिए विशेष नई नई योजनाएं होंगी, उसमें बिजली के बिल कम करने के लिए बिजली कंपनियों पर भी लगाम होगी, और जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों के लिए हम इंसेंटिव्स देंगे कि हर घर जो है एक सोलर पावर हाउस हो जाए। हम प्रयास करेंगे कि दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को हम लागू करें। हम इस यमुना को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए वहीं पर उनके लिए छोटे मकान बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन हम केवल दिल्ली वालों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। हमारी अप्रोच कैजुअल नहीं होगी। हम जी समस्याओं की गहराई में जाएंगे, उसके समाधान के लिए जो देश में, विदेश में, दिल्ली में बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स होंगे उनको हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी जो एडवाइस है उसको लेकर, और हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आपकी लीडरशिप को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहा है कई सालों तक। जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी का नाम बहुत देर से डिक्लेयर किया गया, उसी तरीके से दिल्ली में कहा जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी बहुत देर से डिक्लेयर किया गया है। इसका फायदा पार्टी को देर से हो सकता है ना भी मिले। देखिए, फ़ायदा तो अब ऐसा है कि मैं फ़ायदा नुकसान में कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी जिस दिन फैसला होता है 2 घंटे में पूरे दुनिया को पता लग जाता है आज के युग में। जी दोपहर में मेरी 12 बजे घोषणा हुई थी, 4 बजे तक तो मुझे कम से कम 100 फ़ोन विदेश से आ गए थे। जी यानी इंटरनेट का जो ज़माना है उसमें सब कुछ जो है बहुत तेज़ी से, और खास तौर से दिल्ली की अगर बात करें तो और दिल्ली के अंदर बच्चे बच्चे को 24 घंटे में पता लग गया था, जिसको जिसने टेलीविज़न नहीं देखा होगा अगले दिन अखबार से पता लग गया। तो वो महीना पहले पता लगा या 2 महीना पहले पता लगा, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति के नाम पर तो काम होता नहीं। हमारे यहाँ तो पार्टी का कैडर है, जी वो साल भर काम करता है। जी हम लोग खाली इम्तहान के समय नहीं पढ़ते, जैसे शीला जी का है कि भाई इम्तहान आ गया तो 4-6 घोषणाएँ, हाथ पांव फूल रहे हैं, 4-6 घोषणाएँ करो, जी कभी अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज करने की करो, कभी इसकी करो, कभी उसकी करो। हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए कोई देर में हुआ पहले हुआ इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। ये तो दिल्ली चुनावों की बात हुई। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अच्छा करती है तभी केंद्र के जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें इनको फर्क पड़ेगा? नहीं देखिए, दिल्ली में अच्छा करती है, नहीं अच्छा तो कर ही रही है, जी करेगी भी, जी और हमें पूरा विश्वास है कि दिसंबर में हमारी सरकार बनने के बाद और कुछ ही महीने बाद देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। जी यहाँ पर भी सुशासन शुरू होगा, वहाँ भी सुशासन शुरू होगा, और दोनों स्थानों पर देश को और देश की राजधानी को भ्रष्ट सरकारों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये तो आपका दावा है, पर बहुत सारे आपके विरोधियों का मानना है कि भले नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी संख्या में मास अपील उनका इस वक्त है, लेकिन इसके बावजूद वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो मानने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। वो तो लोग 10 साल तक उनको तमाम बोलते रहे, एक्यूज़ करते रहे, लेकिन कुछ भी निकला नहीं। अब ये तो आप मानेंगे ना कि लोग ऐसे मानते थे, लोग ऐसे कहते थे, लेकिन वही लोग आज उनके सबसे बड़े प्रशंसक हैं जो उनको 10 साल से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आज देखिए, अभूतपूर्व उनके नाम पर सपोर्ट है देश में, विशेषकर नौजवानों में, तो उसको कल मतलब शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। उनकी दिल्ली में रैली हुई थी तो हम लोग को इतने फ़ोन आते थे कि सर जी सर जी, नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए हमें पास दिलवा दीजिए। हमने कहा भाई पब्लिक मीटिंग है, पास की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, पास से हमें ज़रा ये रहेगा कि हम उन्हें पास से देख पाएंगे। जी तो हम लोगों ने देखा अभूतपूर्व क्रेज़ है, और ऐसी रैलियां जो एड्रेस कर रहे हैं वो देश में 10-10 15-15 लाख लोगों की, 7-8 लाख लोगों की,
2-4 लाख की भी अगर करते हैं वो भी मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये कोई लोग ऐसे तो आ नहीं जाते लाखों लोग। मायावती जी की पार्टी बसपा का वैसे दिल्ली में बहुत दखल नहीं है, लेकिन उनका एक बयान अभी बहुत ही चर्चित है क्योंकि यूपी में उनका दखल है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी अंदरूनी मतभेद है प्रधानमंत्री पद को लेकर के, अभी भी अंदरूनी गठजोड़ किसी दूसरे प्रकार का है, लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम है, राजनाथ सिंह का भी नाम है, तो ऐसे में फ़ायदा बसपा को पहुँचेगा यूपी में, वो कह रही है। अब देखिए बात यह कि उनकी पार्टी जो है वो सिंगल मैन पार्टीज़ हैं जी, अब उनके सिंगल मैन है तो कोई आपस में डिस्कशन की बात ही नहीं, सिंगल मैन को जो रात में ध्यान आया सुबह जो है उसको बोल देते हैं। हमारी पार्टी में एक बड़ा हेल्दी प्रजातंत्र है जी, हर बात पे चर्चा होती है, देश का प्रधानमंत्री कौन हो ये भी जो है प्रमुख लोग मिलके तय करते हैं, ये तो सब आप लोगों का क्रिएशन रहता है कि ये भी है वो भी है ऐसा है वैसा है। अडवाणी जी तो थे ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2009 में भी, तो ये सिर्फ आप लोगों की सोच होती है, हमारी पार्टी के अंदर इस प्रकार से कोई नहीं सोचता। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके आधार पर आप इतने इतने खुश होकर के, इतने संतुष्ट होकर के कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है यहाँ का किला जो है वो फतेह कर लेंगे? देखिए रणनीति कोई इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी जगह कोई ऐसा कुछ औजार मिलता है कोई जिससे रातों रात चीजें रातों रात जो है कुछ कर ले, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर हम सपोर्ट देख रहे हैं जनता के अंदर, जो देख रहे हैं कि कैसे वो महंगाई से त्रस्त हैं, कैसे वो भ्रष्टाचार से परेशान हैं, कैसे वो घोटालों से दुखी हैं, कैसे उनकी जीवन की हर चीज़ तकलीफदायक हो गई है, तो लोगों ने मन बना लिया है किसी भी कीमत पर हमें चुनाव जो है जीतना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब भाजपा की जीत में उनकी जीत है जी। और इसी प्रकार से जो ये दूसरी पार्टियां हैं इनके संदर्भ में लोग बड़े स्पष्ट हैं कि हमें वोट ख़राब नहीं करना अपना। ये ठीक है कि कुछ लोग अपना, जैसा आपने भी कहा कि इकट्ठे होते हैं सब होते हैं, आप लोग भी उसका थोड़ा हाइप बनाते हैं, लेकिन लोग ये जानते हैं कि वोट देते समय अभी जब आपके पास कोई अगली बार नई पार्टियों के लोग आए उनसे पूछिएगा, भाई आप इतनी सीटें बोलते हो, एक दो सीटों का नाम तो लो, कहाँ से जीतोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस से कितनी सीटें बताते हैं, कौन सी सीटें बताते हैं। दिल्ली में मोदी की लहर का दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर कितना असर देखते हैं आप? देखिए मोदी जी तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेनन बन गए हैं जी। उनकी लहर निश्चित रूप से देश में है कि सब आदमी पसंद कर रहे हैं उन्हें, सब लोग याद कर रहे हैं, सब लोग उनको इंतज़ार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी जब इस प्रकार की स्थिति है देशवासियों में तो देश की राजधानी पर उसका पॉजिटिव प्रभाव ना पड़े ये अस्वाभाविक है। और वो एक आज सारे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का नहीं भारत का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं जी। तो स्वाभाविक है कि अगर वो सीन पे रहेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कोई इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए हम। डॉक्टर हर्षवर्धन आपने साधना न्यूज़ से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना डॉक्टर हर्षवर्धन भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है उसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, और बड़े ही मजबूती से वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहरहाल समय बहुत ही कम है, 1 महीने से भी कम का समय है, देखते हैं सरकार किसकी बनती है।